Great afternoon, my dear friends, and thank you so much for joining and asking your amazing question. So first question for today. So basically यहाँ पे एक सवाल है, ऐसे हमारे एक participant है जो अभी खुद का सपना, खुद का goal achieve करने के लिए family से थोड़े से दूर रह रहे हैं। उन्होंने rent पे room लिया है और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। So ये आसान नहीं है, it is quite difficult. बहुत बार हमारे family members के हमें याद आती है, तो हमें वो समय क्या करना चाहिए? देखिए, हमें जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, वी कांट गेट एवरीथिंग, वी नीड टू सैक्रिफाइस, थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, यू कांट गेट एवरीथिंग। आपकी जिंदगी का जो मिशन है, जो टारगेट है, वो पूरा करने के लिए बहुत सारे चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अच्छे लम्हे आपको मतलब सैक्रिफाइस करने पड़ते। सी टुनाइट देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, आपको पता रहेगा डू और डाई गेम है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। But you know what? 7 to 10 p.m. I'm in a training. 7 to 10 p.m. I'm going to attend one training. It is not possible for me to watch each and every match. Not possible. I really want to watch that match. Obviously, I'm going to check the scores and all in between. For sure. Again, हमें कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ता है. I will give you example of my brother. He is in Canada right now. अभी वो Canada में है. And he is living away from the family. कितने साल हो गए, 4 साल से वो दूर है, कभी कभी बीच में आ जाता है वो, अभी दिसंबर में होपफुली आ जाएगा। नॉट इजी, उसका जो मिशन है, उसका जो टारगेट है, तो वो भी बहुत इमोशनल है, वो भी पेरेंट्स से बहुत क्लोज है, स्पेशली मेरी माँ के साथ वो बहुत क्लोज है, तो उसको भी बहुत बुरा लगता है। बट उसका जो मिशन है, उसका जो टारगेट है, उसके लिए उसे वो स्ट्रांग बनना ही है। आपको पता रहेगा हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं, कितने महीनों के लिए, सालों के लिए फैमिली का चेहरा भी नहीं देखते, बीबी का चेहरा नहीं देखते कितने सालों के लिए, बच्चों को देखते नहीं है, लेकिन उनको देश के प्रति इतना प्यार होता है कि उन्हें वो घर का प्यार थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट दे एट द एंड ऑफ द डे मेक देयर फैमिली मेंबर्स प्राउड। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप अभी आपका जो पेन है उसको आप पावर में कन्वर्ट कीजिए। जो आपका दर्द है कि मुझे फैमिली से दूर रहना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे कुछ तो अचीव करके दिखाइए जिससे आपके फैमिली मेंबर्स खुशी के आंसू रो पड़ेंगे। गिव देम द अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड योर सक्सेस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर देम। उनके लिए और क्या है? पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के सक्सेस के अलावा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एनी पेरेंट। आई डोंट नो आप में से यहां पे कितने लोग पेरेंट्स हैं। सो जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। So do something awesome for your parents. Make them proud. This is a great opportunity. Make them proud. And today we are living in such a great era. You can connect with your parents like this. You can do video call. You can do WhatsApp call. I mean to say when you're not in the network and all, you can use the WhatsApp call through the Wi-Fi and all. So a lot of amazing things are there. You can connect with your family members instantaneously. But I would say do not miss them. Try to convert that pain of missing your parents into something phenomenal and create massive success. I know, I have full trust in you that you are going to create that magic. You have all that talent. जो भी आपने भी profession choose किया है, उसके लिए वो talent आपके पास है और आप rock कर सकते हैं. So wish you all the best, my dear friend, for that. Great. Amazing question. Thank you so much. My dear friends, go ahead and ask your questions. I'm waiting for your questions. Wow. चलो अभी मैं आपको एक सजेशन देता हूं यहाँ पे। अभी दिवाली का समय है, सो दिवाली के समय में बहुत सारे मतलब आवाज आते रहते हैं, आई मीन टू से इन द टर्म्स ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड ऑल, बहुत बहुत तकलीफ हो जाती है वो केस में, कभी भी दिन में रात में कभी भी धम धम ये आवाज आते ही रहता है। सो वो केस में आप अगर आप इरिटेट हो जाते हो, अरे यार क्या यार ये फटाकों के ऊपर मतलब बैन क्यों नहीं है, ये बैन क्यों नहीं कर देते, क्या ये पागल जैसे अभी दोपहर का क्या टाइम है, ये फटाके फोड़ने का टाइम है क्या, तो ये इरिटेशन में मत जाइए। मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे देने वाला हूं, आपको क्या करना है, जब भी फटाकों का आवाज आएगा तो ऐसे सोचना कि आपकी जिंदगी का टारगेट
आपकी जिंदगी का मिशन आपने अचीव कर लिया है, इसलिए बाहर सेलिब्रेशन चालू है। आपकी जिंदगी का मिशन आपने अचीव कर लिया है, इसीलिए सेलिब्रेशन चालू है। अगर आप फटाके फोड़ते हो, मतलब कोई कोई लोगों को दिवाली के समय मतलब मजा आता है, मैंने मतलब बचपन में ही छोड़ दिया फटाको, मतलब फटाको का जो मतलब अट्रैक्शन था वो निकल गया। लेकिन अगर आपको लगाव है, आपको फटाके फोड़ना वगैरह अच्छा लगता है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप यू, गो अहेड एंजॉय योर लाइफ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फटाके फोड़ते समय ऐसे सोचिए कि आप सक्सेसफुल बन चुके हो इसलिए वो कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? दिवाली के समय मुझे पता है आपने बहुत जबरदस्त शॉपिंग की होगी, आपके पसंदीदा कलर्स के कपड़े, शूज, बैंगल्स, मेकअप, आपने मतलब एकदम प्लानिंग किया है प्रॉपरली, मैं ये सेल्फी निकालूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, वो करूंगा। तो वो सब करते समय, वो सब कुछ करते समय आपको क्या करना है, आपको ऐसे फील करना है कि मैं जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल बन चुका हूं, इसलिए सब सेलिब्रेशन चालू है। बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सो आपका जो मूड है वो दिवाली के समय ऑफ नहीं होगा, वो ऑन में रहेगा। आई होप यू गॉट दिस अमेजिंग आइडिया। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था, आउट ऑफ द ब्लू ये मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Great. Even while having sweets also, while having sweets or something like that, feel like you achieve your grand success. आपने आपका success achieve कर लिया है और इसलिए आप वो sweets consume कर रहे हैं. Think something like that. Great. So thank you God for this amazing idea. And you all of you over here attracted that. आप जो यहाँ पे हैं, आपने ये idea को attract किया है. So be grateful to God for the same. Great. Go ahead, my dear friends. Ask your questions. We are here till 4. So till then, you can ask me whatever you want. अगर आप सवाल पूछना बंद करेंगे तो ये सेशन भी बंद हो जाएगा. पर आपको लगता है मैं कुछ ना कुछ तो आपसे बात करते रहूं, तो मुझे सवाल पूछो. This is a Q&A session. What is stopping you from the grand success? Go ahead. And tell me. Wow, Abhishek, amazing. Feel that again and again. जो trigger है, देखो मैं आपको ये जो technique है, ये technique क्या है? ये technique basically है जो हमारे triggers होते हैं. Triggers कौन से triggers? जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें सरदर्द देते हैं, ऐसे triggers होते हैं ना. कभी कोई कोई neighbor होता है, कोई friend होता है, कभी कोई boss होता है, कभी कोई relative होता है. तो ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर को आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए. बिकॉज आप ट्रिगर को चेंज नहीं कर सकते, आपके बॉस को, आपके दोस्त को, लोगों के बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते. आप कितना भी कुछ करेंगे वो चेंज नहीं होंगे. आपको क्या करना है, आपको वो ट्रिगर को, वो जो पेन है उसको पावर में कन्वर्ट करना है. आई रियली लव दिस स्टेटमेंट, कन्वर्ट योर पेन इंटू पावर, कन्वर्ट योर पेन इंटू पावर. सो ये जो ट्रिगर है उसको प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए. बिकॉज वो ट्रिगर जब आता है तो बहुत आप गुस्से में आ जाते हो, बहुत एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी को चैनलाइज कीजिए. दिस हाउ यू कैन क्रिएट अ मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ. ग्रेट. सो देयर इज वन अमेजिंग क्वेश्चन, लेट मी रीड दैट. Okay, so I did get your question actually. Can you please reframe that question? Okay. शायद आपका question ऐसे है कि जब आप मतलब लोग आपके साथ बुरा behavior करते हैं, just confirm me whether I'm right or wrong. जब लोग आपके साथ बुरा behavior करते हैं तो आप उनको neglect करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में आपको बहुत बुरा लगता है निग्लेक्ट करने के बावजूद, यार उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है. राइट? सो इज दिस योर क्वेश्चन? काइंडली कंफर्म मी, यू पुट मी द प्राइवेट मैसेज, कंफर्म मी प्राइवेटली वेदर दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, दिस इज व्हाट यू वांट टू आस्क. आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन सो दैट आई कैन गिव द आंसर फॉर द सेम.
So as per me, this is your question. So let me answer you. This is what I interpreted from your question. So देखिए, मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि लोग आपके साथ कैसे behave करेंगे, वो आपके family members हो या फिर आप relatives हो या फिर strangers हो, ये आपके हाथ में नहीं है. It is not in your control. So वो neglect कर रहे हैं, वो जैसे भी behave कर रहे हैं, let them behave way they want. कल ही मैंने एक बहुत जबरदस्त कोट शेयर किया था, your biggest blessing. Do you remember what I shared yesterday? In yesterday's quote, I shared one important message. Your biggest blessing. Your ability to choose your thoughts and feelings. सामने वाला आप किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आपके मन में कौन सी विचार पैदा होगी, आपके मन में कौन सी भावनाएं पैदा होगी, वो आप डिसाइड करते हो. You can talk to that person. अगर आपको लगता है यार कुछ शायद misunderstanding हुई है जिसके वजह से वैसे behave कर रहे हैं, you can go and ask them. Is there any challenge or something? शायद कुछ बहुत छोटी सी बात होगी जो उनके मन में उन्होंने सोच के रखी कि यार ये लोग ऐसे हैं, मतलब आप ऐसे हो आप वैसे हो. तो उनसे एक बार बात करेंगे तो शायद वो क्लियर हो जाएगा. बहुत छोटा सा चीज होगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट होगा, वो क्लियर हो जाएगा और आपका रिलेशन, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन बात करने के बावजूद, अगर समझो ऐसे भी हो सकता है बात करने के बाद वो ईगो पे ले ले, ऐसे होता है तो आप उनको सॉरी कह सकते हैं एंड यू कैन मूव ऑन. सी, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, आपके दिल को पता है यार कि आप जो भी कर रहे हो वो परफेक्ट है, बहुत जबरदस्त है, देन जस्ट कीप इट अप. लेट देम बिहेव व्हिचएवर वे दे वांट. शायद ऐसे हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही हो लेकिन आपको पता ही नहीं है. आपको पता है हमारे जिंदगी में, मतलब मैं भी उसमें आ गया, आई एम ऑल्सो इन दैट, इट्स नॉट जस्ट यू, आई एम ऑल्सो इन दैट. हमें दुनिया में जो नॉलेज है उसका सिर्फ 1% हमें पता है. ये दुनिया में जो भी नॉलेज है उसका सिर्फ 1% हमें पता है. 4% ऐसी भी चीजें है, 4% जो हमें पता है कि हमें वो नहीं पता है. हमें पता है कि हमें वो नहीं पता है. जैसे कि समझो आपको साइकिल चलाना आता है, ओके, आपको साइकिल चलाना आता है, आपको पता है. अभी आपको समझो जो प्लेन है उसको चलाना नहीं आता, ये आपको पता है. कि ये मुझे पता नहीं है. साइकिल चलाना आता है ये मुझे पता है, आई लर्न दैट. लेकिन मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता, ये आपको पता है. सो यू नो दैट यू डोंट नो. लेकिन ऐसी भी चीजें हैं that you don't know. दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी व्यक्ति के साथ आपका बॉन्डिंग ठीक नहीं है तो उनसे एक बार बात कर लीजिए. शायद कोई ऐसी चीज हो जो आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं है. बहुत छोटा सा बिहेवियर शायद आपका कुछ हो गया होगा, कुछ आपने बोल दिया होगा और वो उन्होंने वो नेगेटिवली परसीव करके रखा है, आपको पता ही नहीं है. या फिर और कोई चीज हो सकती है, आपने कुछ सोशल मीडिया पे भाई कभी कुछ शेयर किया हो, वो इंसान ने कुछ अलग वे से इंटरप्रेट किया हो. सी, इट कैन बी एनीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कम्युनिकेट, आस्क दैट पर्सन विथ लॉट ऑफ लव, प्यार से उन्हें पूछिए क्या है. अगर वो नहीं बोलते हैं और झगड़ा हो रहा है, then just stop and send them blessings. Send them lots of blessings. अगर आप उनको blessings भेजना शुरू करेंगे, शायद उनका behavior change हो जाएगा. उनका behavior change होगा कि नहीं पता, लेकिन at least आप तो peace of mind के साथ रहेंगे. At least you will be really awesome. Who knows, you can change their behavior also. अगर आपके belief में, आपके वो blessings में power है, तो उनका behavior भी change हो सकता है. So this is what I can say. And I would say you watch one video or one webinar I did one webinar actually on how to deal with the pathetic people. Sometimes people behave pathetic way. So what is the reason behind that? How to deal that? I have already delivered one webinar on that. If you go on YouTube and search it, you'll get it. How to deal with pathetic people by Sameer Narad. On my YouTube channel, you'll get this amazing video. Great. I hope you got the answer.
Amazing. So there is one more question. Let me read that. Thank you so much for asking this question. ओके देखिए जो आपने यहाँ पे सवाल पूछा है कि आपको एक नया जॉब चाहिए, यू वांट अ न्यू जॉब, जस्ट विजुअलाइज दैट, जस्ट विजुअलाइज जो आपको सैलरी चाहिए. मतलब ऐसे भी मत कीजिए कि मतलब अभी आपकी सैलरी समझो एक्स अमाउंट है तो आप सीधा 3x मत मांगिए. एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज है, देन डोंट आस्क इमीडिएटली आई वांट 3 लाख रुपीज पर मंथ. यस इट इज पॉसिबल इफ यू गो टू कनाडा. If you go to Australia, then maybe you will get 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs also per month. It is possible, but not in India. Agar aapki salary 1 lakh hai, maybe you can go for the salary of maybe 1.5 lakhs, maybe 1.3 lakhs, maybe 30%, I would say. 50% to maine bahut zyada bol diya. Maybe 20 to 30% hike. You can visualize that. Aur ye visualization ko kab karna hai? Raat ko sone se pehle. That's it. रात को सोने से पहले विजुअलाइज कीजिए, दैट्स इट. एंड होल डे डू योर जॉब इन अ ग्रेट वे. देखो यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा होता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, जब उन्हें नया जॉब चाहिए रहता है तो जो प्रेजेंट जॉब है वहां पे उनका मूड नहीं लगता, वहां पे वो बहुत पथेटिक परफॉर्मेंस देते हैं. पीपी पथेटिक परफॉर्मेंस. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत कीजिए. अगर आपको जॉब को शिफ्ट करना है, मैं आपको कहता हूं आप जो जॉब कर रहे हो वहां पे जान डाल के काम कीजिए. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जॉब चेंज मत कीजिए. गो फॉर द न्यू जॉब, गो फॉर द बिगर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी. एब्सोल्युटली इट इज योर लाइफ, यू कैन चूज व्हाट यू वांट. लेकिन प्रेजेंट जॉब में आपको बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना है, प्रेजेंट जॉब. और जब प्रेजेंट जॉब में आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा तो उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको नया जॉब पाने के लिए बहुत हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी. आई होप यू गॉट द आंसर. एंड जब भी आपको आप घर पे आने के बाद कुछ और स्टडी करनी है या फिर और कुछ करना है तो आप कर सकते हैं सुकून के साथ. रात को सोने से पहले जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हो तो पूरा दिन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज लाइक वो चीज हो चुकी है, इट इज डन. आपको ऐसे सोचना है कि मेरे माइंड में वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, अभी रियलिटी में होना बाकी है. दिस शुड बी अ स्टेटमेंट. खुद बॉब प्रॉक्टर जिनको 60 इयर्स से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ये माइंड पावर इंडस्ट्री का, वो खुद यही टेक्निक फॉलो करते हैं. उनके माइंड में कभी भी डाउट आता है, डर आता है तो क्या करते हैं, मेरे माइंड में मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया है, अभी खाली रियलिटी में होना बाकी है. रियलिटी में परफेक्ट टाइम पे वो चीज होगी. दिस इज वॉट कैन हैपन विथ यू ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, दिस इज वॉट कैन ऑल्सो हैपन विथ यू. सो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना है जो भी आपकी ड्रीम सैलरी. आपको विजुअलाइजेशन प्रोसेस कैसी है, क्या है, यू ऑलरेडी टेकन द ट्रेनिंग फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, यू ऑलरेडी नो दैट. और दिन भर में आपके करंट जॉब में जान डाल दीजिए और फिर घर पे आने के बाद जो आपको स्टडी करना है या फिर और कुछ एग्जाम प्रिपरेशन करना है या नए जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, जान डाल दीजिए वहां पे. और जब भी डाउट क्रिएट होगा, जब भी कंफ्यूजन आएगा, मतलब मिल सकता है क्या, होगा क्या, नहीं होगा क्या, ये जब थॉट्स आएंगे तब खुद से बात कीजिए. इट्स नोन एज सेल्फ टॉक. टॉक विथ योरसेल्फ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हो चुकी है, अभी खाली रियलिटी में होना बाकी है. आई होप यू गॉट द आंसर. दिस शुड बी द आइडियल प्रोसेस, फॉलो दैट. वेरी सून यू विल शेयर योर सक्सेस स्टोरी विथ मी. सो आई वॉन्ट टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इन एडवांस. God bless you and congratulations to you in advance for the fantastic, amazing, top of the world job. Enjoy. So go ahead, my dear friends, and ask your question. Amazing questions you're asking. I really appreciate that. कुछ भी सवाल हो, आप पूछ सकते हो. शायद आपके मन में कुछ ऐसा सवाल अगर होगा कि यार मतलब मैं जो usually कहता हूँ उसके कुछ विपरीत है, against में है, तो ऐसे में सोची अरे यार इसको बुरा लग जाएगा, इतना अच्छा हमें हेल्प कर रहा है और उसको ही कुछ मैंने उल्टा पूछा तो क्या बोलेगा, निकाल देगा मुझे. आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट. आपको पता है ना मैं बेशरम हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप मेरे को कुछ भी बोलो, कुछ भी सवाल पूछो. आई लव दैट, आई लव सच चैलेंजेस, आई लव चैलेंजिंग क्वेश्चंस. यू कैन क्रिटिसाइज मी एनी टाइम फॉर एनीथिंग. आई लव दैट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ. और जो भी बंदा मुझे क्रिटिसाइज करता है, कुछ गलत सवाल पूछता है, तो मैं बुरा नहीं महसूस करता. आई रियली फील लाइक यार ही इज माय वेल विशर. ओके ग्रेट.
Wow. So how to control anger on other people for small mistakes? Be grateful. See, ये मैंने ये बहुत बार कहा है आपको. देखो आप ऐसे मत सोचिए यार कि मतलब समीर नारद ये ऐसा इंसान है जिसे कभी गुस्सा ही नहीं आता, वो दिन भर बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत खतरनाक. ये झूठ है. मुझे भी बहुत खतरनाक गुस्सा आता है, कभी बीबी के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, कोई स्ट्रेंजर के ऊपर, कभी खुद के ऊपर, छोटी छोटी बातों के लिए. सो आई वुड सजेस्ट वो मोमेंट पे अगर आपको गुस्से को मतलब फिनिश कर देना है, फिनिश, यू नो व्हाट यू कैन डू. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर फिजियोलॉजी. एनीवन नोज व्हाट इज फिजियोलॉजी? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो व्हाट इज फिजियोलॉजी. आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. Physiology. You have to change your physiology first. कोई भी negative situation, any kind of negative situation, guilt, anger, frustration, fear, उसको अगर आपको बाहर निकलना है, thank you so much Hemant, thank you so much. Body language. आपको आपके physiology को change करना है. अभी आप बोलेंगे body language को change करना मतलब क्या, dance करूं? मेरे को गुस्सा है तो क्या मैं dance करूं? Dance नहीं करना है. You can have smile on your face. You can have a broad smile on your face. Whenever you get angry, pissed off, whenever you feel like killing someone, just smile. Smile forcefully. Smile forcefully to create happiness. Try, give it a try. Give it a try right now. Aap abhi jahan pe bhi ho, smile kijiye. Please smile. Please smile right now. Have a broad smile on your face and tell me, if you can think negative, मतलब smile कीजिए एकदम जबरदस्त और उसके साथ कुछ negative सोचिए. Smile forcefully and think negative and tell me if it is possible. Reply me in the chat box. क्या आपको possible है smile करने के साथ negative thoughts को create करना? Reply me in the chat box if it is possible for you. To smile, you have a broad smile, amazing smile, and at the same time think negative, be angry, be frustrated and all. Wow. So, ये मुन्ना भाई का टेक्निक है. I guess मुन्ना भाई MBBS में वो बोमन ईरानी का वो जो काम रहता है ना, वो जब उसे गुस्सा आता है वो पागल जैसे हंसने लगता है. इट्स अ थेरेपी माय डियर फ्रेंड. दिस इज हाउ यू चेंज योर बॉडी. आई डू दैट पर्सनली. व्हेनेवर आई गेट एंग्री ऑन एनीथिंग, आई जस्ट हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. सी आई विल टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. समटाइम्स माय वाइफ टेल मी यार मेरे को ये काम करके दे, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, पागल है क्या यार, मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं यार, मुझे तो क्या बोल रही है काम करने को. डोंट यू नो आई एम रीडिंग समथिंग? डोंट यू नो आई एम वॉचिंग वन इंटरनेशनल ट्रेनिंग? यार मेरे को ये ट्रेनिंग देखनी है यार, तू मुझे बोल रहा है ये काम कर. बट आई नो एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव टू डू दैट वर्क बिकॉज शी इज ऑक्यूपाइड समवेयर. इट्स नॉट लाइक शी इज फोर्सफुली टेलिंग मी, शी इज ऑक्यूपाइड समवेयर, सो जेन्युइनली शी इज आस्किंग मी फॉर हेल्प. सो इन दैट केस मुझे भी गुस्सा आता है, बट वॉट आई डू, आई जस्ट स्माइल एंड आई स्टार्ट डूइंग चैंटिंग. I'm happy and grateful that this, that, kuch bhi achha sochne lagta. I just, first of all, I change my physiology. First of all, I smile and then do some affirmations. I'm great, I'm awesome, I'm fantastic, I'm international motivational speaker, I'm happy, I'm grateful, I'm blessed beyond imagination. This is miraculous life, this is amazing life, I'm very happy for this. Aise jo bhi man mein aata hai, jo bhi affirmation soochta hai, main karne lagta hun. This is how I control my anger. This is how I control my negativity. I hope you got the point, my dear friend. First of all, change your physiology. Okay? Change your physiology. Smile. And then focus upon something powerful. Focus upon gratitude or take a name of God or anything. You can do anything. कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं ना कि मतलब जो numbers को count करना है उल्टा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So what is that? You are shifting your focus. You are shifting your focus. लेकिन focus shift करने से पहले मैं आपको suggest करूंगा body language में थोड़ा सा difference create कीजिए, because आप body को change करेंगे तो thoughts and feelings automatically change हो जाएंगे. So whatever I'm telling you, my dear friend, I practically implement that, and hence I'm telling you with a lot of conviction, it works. It works like magic. So I will give you example of today only. आज सुबह मैंने मतलब मेरा जो जूम का आईडी है
मैंने मेरे एक दोस्त को दिया था, उसको एक मीटिंग की जरूरत थी, मेरा मॉर्निंग का कोई सेशन नहीं था, तो उसने मुझे हेल्प मांगा था, तो मैंने दे दिया उसको, मतलब मेरे जूम अकाउंट से उसने एक सेशन कंडक्ट किया। लेकिन एक्चुअली वो एक चैलेंज के वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया ट्रेनिंग, मतलब उसे वो एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं था, उसने किसी और को वो डेलीगेट कर दिया किसी और को, और जो बंदा डेलीगेट मतलब जो हो गया था उसको काम, उसको जूम के बारे में ढंग से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है वो भी ढंग से पता नहीं था, और वो मुझे सुबह 10 बजे फोन करके पूछ रहा है कि सर मैं ये कैसे करूं, ये मीटिंग चालू नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे इतना इरिटेट हो रहा था, यार क्या कर रहा है तू, तेरे को पता कर लेना चाहिए तू अगर हैंडल करने वाला है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग सम काइंड ऑफ अफर्मेशन, आई स्टार्टेड स्माइलिंग, आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग यार आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच है, डू ऑर डाई मैच है, कितना मजा आएगा ये आएगा। सो आई वॉज डाइवर्टिंग माई अटेंशन, माई फोकस टू समथिंग एल्स। अगर मैं ये सोचते बैठा क्या फुद्दू आदमी है, इतना भी नहीं आता उतना भी नहीं आता, क्या दिमाग को शॉर्ट है, क्या सुबह सुबह लगा के रखा है यार, फालतू का काम लगा के रखा है क्या यार, समझ, ये करते बैठे तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। ऐसे बिहेवियर्स लोगों के होंगे, ऐसे चैलेंजेस आएंगे मेरे दोस्त, लेकिन उसको स्माइल के साथ खुशी खुशी डाइजेस्ट कर लेना है, खुशी खुशी डाइजेस्ट कर लेना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और मैं एक सजेस्ट करूंगा जो मैं बार बार कहता हूं, एट द सेम टाइम अगर देखो अभी तो वो जो बंदा था सुबह उसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो शायद अभी फिर से कभी इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि उनको आप ब्लेसिंग्स भेजो। अगर कुछ गलत काम वो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ हो रही है, तो आप एक बार उनके साथ बात करके देखो, इंप्रूवमेंट हुई तो ठीक है, अदरवाइज उनको ब्लेसिंग्स भेजो, आप भी खुश वो भी खुश। आई होप यू गॉट द आंसर। सो लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। How to improve self-image? Amazing question, Hemant. Amazing question. One of the best way to work on your self-image is to love yourself. Is to love yourself. Have you ever said to yourself, I like myself? Kabhi kuch se bola hai? I like myself. I love myself. Jo hum log wo session ke end mein karte na, I am the greatest. I am the greatest. Wo kya hai? Wo self-image change karne ka ek tarika hai. Go in front of a mirror and say something powerful. Praise yourself. आईने के सामने जाइए और खुद को क्या कीजिए, प्रेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आईने के सामने जाके बोलिए, आई लव यू, यू आर ऑसम, आई लव यू बेबी, यू आर ऑसम, डू लाइक दिस, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग। दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ इमेज। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, एक हिप्नोथेरेपिस्ट है एक लेडी, मरीसा पी करके, मरीसा पियर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, मरीसा पीर आई गेस। सो उन्होंने भी यही कंसेप्ट कहा, वो मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस है, ही हैज अ ग्रेट फिनोमिनल एक्सपीरियंस। सो वो लेडी ने भी वही कहा कि अगर आपको आपकी खुद की सेल्फ इमेज चेंज करनी है, सेल्फ स्टीम को चेंज करना है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। आप जो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर लेते हो तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आईने के सामने जाके स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस करेंगे, योर सेल्फ इमेज विल चेंज। एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, इट इज अ गेम ऑफ सेल्फ इमेज। बॉब प्रॉक्टर उनके ट्रेनिंग में कितने बार कहते हैं कि आपके सेल्फ इमेज के आगे नहीं जा सकते, आपका जो सक्सेस है, आपकी जिंदगी का जो टारगेट है, वो आप अचीव कर पाओगे अगर आपकी सेल्फ इमेज वैसी है। सो यू आस्क रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको सेल्फ इमेज के ऊपर ज्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए, देन रीड द बुक साइको साइबरनेटिक्स, साइको साइबरनेटिक्स, ओनली वन बुक। बॉब प्रॉक्टर तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, हर एक ट्रेनिंग में कहते हैं, भाई पढ़ो साइबरनेटिक्स, साइको साइबरनेटिक्स। इतना मतलब इजी नहीं है वो, साइकोलॉजी का वो बाइबल है, डाइजेस्ट करने में शायद आपको डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन उसमें यही कंसेप्ट बताया है, लव योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ, एंड दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। ग्रेट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ इमेज, आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑल्सो वर्किंग रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ इमेज।
बिकॉज जिंदगी में जो भी सक्सेस मुझे मिलने वाला है आपको मिलने वाला है, ये पूरा सेल्फ इमेज का गेम है. आप खुद को किस तरह से देखते हो, हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, हाउ यू सी योर सेल्फ, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया कि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं तो मैं क्या करूं. मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, What to do about it? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप रात को सो रहे हो, now this is there is a science behind that. I don't know in a depth, लेकिन इसके पीछे साइंस है, I personally follow that. रात को जब भी आप सोते हो, whenever you sleep, make sure जो आपका सर है, your head is towards east or south. Let me repeat, आपका जो सर है वो एक तो साउथ में होना चाहिए या फिर कहां पे होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए. फिर से एक बार बोलते हूं, जब आप रात में सोते हो तब आपका ये सर है ये कहां पे होना चाहिए, एक तो साउथ में होना चाहिए या फिर ईस्ट में होना चाहिए. अगर ये पोजीशन में आप नींद लेना शुरू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है बुरे सपने आने की बहुत कम हो जाएगी, बुरे सपने आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. और इसके अलावा रात को सोने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा एक 10-15 मिनट, सोने से पहले 10-15 मिनट या आधा घंटा कुछ पावरफुल मोटिवेशनल अमेजिंग पढ़िए, सुनिए, देखिए. उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज रात को सोने से पहले आधा घंटा आप जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके ऊपर पूरा रात सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है. सबकॉन्शियस माइंड पूरा रात उसके ऊपर काम करता है. तो रात को सोने से पहले आधा घंटा कुछ तो अच्छा फीडिंग कीजिए. इट कैन हेल्प यू अ लॉट. एंड अलॉन्ग विद दैट चेक आउट योर स्लीपिंग पोजीशंस. आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प लाइक एनीथिंग. और तो भी बुरे सपने आते हैं देन प्लीज लेट मी नो. या आई एम देयर ऑन द व्हाट्सएप, यू ऑलरेडी हैव माय नंबर, कनेक्ट विद मी सो आई विल अंडरस्टैंड वेदर इट वर्कड और नॉट फॉर यू, या फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स की जरूरत है. सी देयर आर एडवांस टेक्निक्स आल्सो फॉर ऑल दिस थिंग्स. लेकिन अभी मैं एडवांस में नहीं जा सकता इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, आउट ऑफ स्कोप फॉर मी, बट आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट. या सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाओ, अमेजिंग, क्या बात है विलास जी. मैंने आपको कहा ना विलास जी, यार आप सीनियर सिटीजन कोच यहाँ पे. विलास जी ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है. किसी को तो ओपन हार्ट सर्जरी का चैलेंज था, तो विलास जी ने उनको मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि आप बार बार बोलिए आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग. तो उन्होंने आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग बोलते बोलते वो ऑपरेशन के लिए वो गए और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और बहुत अभी वो हेल्दी है. दिस इज वॉट आई वॉन्ट माई डियर फ्रेंड. आप भी मेरे जैसे काम कर सकते हो. आई एम नॉट डूइंग समथिंग मैजिकल. यू कैन डू द सेम. यू ऑल्सो हैव द सेम पावर. तो यहाँ पे विलास जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. ग्रेट, विलास जी ने यहाँ पे सक्सेस स्टोरी क्रिएट की है. विलास जी, मैं आपको कहना चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप भी एकदम डैशिंग बन जाइए, मस्त मेरे जैसे ब्लेजर वगैरह पहन के आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइए, कोच बन जाइए, लाइफ कोच बन जाइए. योर एज इज अराउंड 58 राइट नाउ, सो यू हैव ह्यूज एक्सपीरियंस. पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज, विल बी इन्वाइटेड एवरीवेयर. यू नो इन टूडेज एरा, if you have the great knowledge, any knowledge of any field, you can share that from the Zoom, from Google Meet for free. आप पैसा ले सकते हैं, free में share कर सकते हैं, कितने लोगों की दुआएं आपको मिल सकती हैं. So you are phenomenal, you are awesome. Hats off to you. I'm really proud of you. Keep it up, my dear friend. Great. So there is one question. How to manage time to achieve my goal? ग्रेट. सो देखो, टाइम कभी मैनेज नहीं होता है. इट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटी मैनेजमेंट. देर इज नथिंग नोन एज टाइम मैनेजमेंट. देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटी मैनेजमेंट. तो आपको जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आई वुड से जस्ट रिलाय ऑन द सी. देर आर अमेजिंग बुक्स. अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे टाइम मैनेजमेंट की या फिर प्रायोरिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है. देर आर सम फिनोमिनल बुक्स आउट देयर.
You can use that. But along with that, you know, sometimes you need to listen to your gut feeling. Sometimes you need to listen to your gut feeling. मतलब आपने जो भी प्लान बना के रखा है उसके विपरीत आपको कुछ कभी कभी करना पड़ता है. मतलब अचानक से वो आप एक ट्रिगर मिल जाता है. सो वो ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो शायद आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है. सो यू नीड टू बी केयरफुल. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ आपका एंड रिजल्ट गोल विजुअलाइज कीजिए. एक बार आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया ना यार, फिर वो सब काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सब कुछ करवाएगा जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सब काम करवाएगा. टाइम मैनेजमेंट हो या फिर कुछ अच्छी टाइम मैनेजमेंट किताबें आपके जिंदगी में लाएगा, कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ वीडियो, कुछ मैसेज, सब कुछ आएगा यार. जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए ना, वो सब आएंगे, भर भर के आएंगे. बिंदास रहो, खाली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो यार. रात को सोने के पहले विजुअलाइज करो, प्रोग्राम करो और दिन भर में देखो कैसे मैजिक होता है. दिस इज व्हाट आई कैन से. ग्रेट. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ग्रेट. सो यहां पे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर मुझे किसी को हेल्प करना है और मतलब उनके जिंदगी में कुछ चैलेंजेस है तो उनको मुझे कुछ हेल्प करना है तो क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? बिकॉज मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो मैं उनको हेल्प कैसे करूँ? बिकॉज उनको मैं हेल्प करने जा रही हूँ तो मुझे भी मेरे जिंदगी के चैलेंजेस याद आते हैं. देखो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बहुत अच्छा कोट है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स मतलब हम जब दूसरों को हेल्प करने जाते हैं तो हमारा बहुत कुछ काम उसमें हो जाता है. हमारा बहुत कुछ काम उसमें हो जाता है. सो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज जब आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो आपको भी हीलिंग का एहसास होता है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए आपको दूसरों को हेल्प करते समय जो आइडियाज आते हैं, जो स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में आते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं वो इस्तेमाल करते? और मेरे एक दोस्त थे एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, तो उन्होंने बहुत बहुत ब्यूटीफुली कहा था कि हमारे जिंदगी के जो चैलेंजेस है जब हमें सॉल्व करने होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे चैलेंजेस है. हमें ऐसे सोचना चाहिए कि कोई मेरा दोस्त है, ओके, कोई मेरा दोस्त है, कोई क्लाइंट है, उसके जिंदगी में वो प्रॉब्लम है तो मैं क्या सोल्यूशन दूंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी अमेजिंग टेक्निक. शायद मैंने कभी आपको ये स्ट्रेटेजी बताई नहीं थी. जब भी आपके जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तो शायद आप प्रेशर में चले जाओगे. आप सोचिए किसी और का प्रॉब्लम है, किसी इंसान का ये चैलेंज है, एक केस स्टडी आपके सामने, वो इंसान आपको हेल्प मांग रहा है, तो आप उसको क्या हेल्प करेंगे, आप उसे क्या बताएंगे? बस वही आंसर आप खुद को दे देना तो आपकी भी हीलिंग हो जाएगी. यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस योर हीलिंग. ऑब्वियसली जब हम दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हमें खुद के जिंदगी के जो चैलेंजेस है वो याद आते हैं और हमें तकलीफ होने लगती है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो हम लोग दूसरों को सलाह दे रहे हैं खुद को भी देनी है. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा इंसान आपकी बातें तभी सुनेगा जब आपके जिंदगी में आपने कुछ अचीव कर लिया. अगर आपकी जिंदगी में आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया है और आप दूसरों को बोल रहे, वो उसमें दम नहीं रहेगा. देयर इज नो कॉन्ग्रुएंसी. देयर इज वन कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या कि आप जो बोल रहे हो और आप जो मतलब जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें कुछ लिंकिंग नहीं है. देयर इज नो लिंकिंग, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. देखो अगर मैं आपको कहता हूं कि यार यहाँ पे अगर संतोष जी मुझे पूछते हैं, यार समीर मेरे को है ना बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को है ना अर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, और मैं और मेरी और संतोष की बॉडी में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, या फिर मैं गौरव वगैरह, तो अगर मैं गौरव को और संतोष को बोलूंगा रुक मैं तुझे बताता हूँ बॉडी बिल्डिंग कैसे करनी, सिक्स पैक कैसे लाने हैं, मैं आपको कोचिंग देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली सिक्स पैक कैसे लाने, तो शायद एक रिस्पेक्ट के लिए वो मेरा थोड़ा बहुत सुन लेंगे लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं. मतलब उनका कुछ फायदा होगा कि नहीं का मुझे कुछ पता नहीं है, बिकॉज मैं ही खुद जिंदगी में बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मेरे खुद सिक्स पैक नहीं है, तो उनको मैं क्या बताऊंगा उनको. हाँ लेकिन ऐसे हो सकता है कि अगर जब मैं उनको बता रहा हूं कि देख गौरव तुझे है ना यार
देख तेरे को सच में सिक्स पैक बनाने का संतोष, तू भी बोल तेरे को सिक्स पैक चाहिए क्या संतोष और गौरव? देख तेरे को मैं बोलता हूँ, दिवाली में स्वीट नहीं खाने, दिवाली में तेरे सामने स्वीट कुछ भी रखा ना तो उसको नमस्कार करने का छोड़ देने का, और ईमानदारी में 5 किलोमीटर भागने का रोज। छुट्टी है ना तेरे को, छुट्टी एक ही नहीं दिवाली की, 5 किलोमीटर भागने का और घर पे आने के बाद क्रंचीज मारने का करना है तेरे को, देखो चाहिए ना सिक्स पैक तेरे को ये करना होगा। तो जब मैं ये गौरव को और संतोष को बता रहा हूँ तो पता है तो मैं खुद को भी बोल सकता हूँ, अबे साले समीर तू तो बहुत स्वीट खाता है, तो उनको बोल रहा है तू क्यों नहीं फॉलो करता, तेरे को पता है ना ये स्ट्रेटेजी, तू तो फॉलो करके दिखा। तब मेरा इंटरनल डायलॉग शायद शुरू हो सकता है और शायद मैं खुद के ऊपर काम करना शुरू करूं, बिकॉज आई एम इन अवेयरनेस, बिकॉज मैंने उनको आंसर दे दिया तो मेरे माइंड में अभी आंसर है कि एग्जैक्टली क्या करना है, जो शायद पहले नहीं था, जो मोटिवेशन आंसर शायद पहले नहीं था लेकिन अभी मेरे माइंड में है, अवेयरनेस में, देन आई कैन फॉलो दैट एंड आई कैन इंप्रूव माई लाइफ। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। वो अवेयरनेस आपके पास आ जाता है और इसीलिए वो एक कोट है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, वी राइज मतलब हम जिंदगी में बड़े हो जाते हैं जब हम दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। सिर्फ आपको जो भी आंसर देना है खुद को भी आपको उसको अप्लाई करना है, देन यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक। एंड एट द सेम टाइम आई सजेस्ट यू, देखो आप काउंसलिंग या फिर ट्रेनिंग के फील्ड में आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो लेट मी शेयर यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद वो मैंने पहले कभी बताई थी नहीं बताई थी आई डोंट रिमेम्बर। आप कभी भी किसी नेगेटिव इंसान के साथ ज्यादा बात करेंगे, फोन के ऊपर हो, चैटिंग के ऊपर हो, या फिर आमने सामने मिलके हो, आप उनको मोटिवेट करेंगे, उस दिन मेरे दोस्त वो जो जाड़ा नमक होता है ना, मोटा नमक रहता है, पता है ना आपको, एक तो एकदम पतला वाला नमक रहता है टाटा वाला, और जो 10-20 रुपए में मिलता है ना मोटा वाला नमक, वो मुट्ठी भर के पानी में डाल देना, जो आपका जो नहाने का पानी है, जो बकेट में आप पानी लेते हो, वो बकेट में एक मुट्ठी भर के वो मोटा वाला सॉल्ट, आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, आई गेस वो पैकेट में लिखा रहता है करकच नमक करके, तो वो नमक पानी में डाल दीजिए। तो आपने अगर कुछ उसकी नेगेटिविटी ले ली है गलती से उसकी नेगेटिविटी आपके पास आ गई है तो वॉश ऑफ हो जाएगी, बिकॉज मुझे पता नहीं कि आप कुछ स्तोत्र मंत्र वगैरह कुछ करते हो, तो वो करते हो तो बात अलग है, तो वो नेगेटिविटी हील हो जाएगी अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हो, लेकिन आप मेडिटेशन या फिर स्तोत्र मंत्र वगैरह ऐसे कुछ नहीं करते या फिर किसी पावरफुल स्पिरिचुअल इंसान के ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ नहीं है तो आप बुरे फंस सकते हो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो व्हेन यू हेल्प अदर्स स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द इमोशनल थिंग्स, रिगार्डिंग द ट्रॉमाज एंड ऑल, मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑल्सो, अदरवाइज उनको क्लीन करते करते आप फंस जाओ। अगर आपकी एनर्जी ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट हो गई तो आप चैलेंज में फंस सकते हो। ऑब्वियसली गॉड विल ब्लेस यू फॉर हेल्पिंग देम, बट एट द सेम टाइम यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। आई होप यू गॉट द आंसर। सो टुडे यू आस्क रियली अमेजिंग क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो यहाँ पे एक ही इंसान ने मुझे 3 या 4 सवाल पूछे, तो मैंने ऐसे नहीं कहा क्या यार कितने सवाल पूछते हैं बस हो गया तेरा कोटा खत्म। यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज योर सेशन, आई रियली वांट टू हेल्प यू, सो आस्क मी व्हाटएवर यू वांट, सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। So looks like there are no questions and our time is also getting up. Amazing, 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 my dear friends. Thank you so much for asking me top class questions, which motivated me to help. So I wish everyone happy Diwali. Make sure you're safe. Make sure you don't eat too much of sweet. Make sure you help someone. दिवाली में अगर आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो आज ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, मे बी यू कैन हेल्प देम, नॉट नेसेसरीली विथ मनी, मे बी बाय गिविंग सम स्वीट्स, मे बी बाय सेंडिंग सम अमेजिंग वीडियोस, ओके। दिवाली का टाइम प्रॉस्पेरिटी का टाइम रहता है ना, मतलब सब लोग प्रे करते रहते हैं कि यार
मेरी जिंदगी में बरकत आ जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो आप उनको बहुत अच्छी किताबें शेयर कर सकते हो, कुछ बॉब प्रॉक्टर के वीडियो शेयर कर सकते हो, कुछ मेरे वीडियो शेयर कर सकते हो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बहुत जबरदस्त किताबें हैं, ई बुक्स आप सभी के पास है, शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वन, टेल मी, आई एम सॉरी, टेल देम यार आप दिवाली में आपके जिंदगी में मिरेकल्स हो जाए, आप जिंदगी में बहुत अमीर इंसान बन जाओ, इसलिए मैंने आपको ये किताब शेयर की है, दिस इज द माय दिवाली गिफ्ट, और ये अगर आप किताब पढ़ोगे तो जिंदगी भर मुझे दुआ दोगी, ऐसे बोलो उनको, एक वीडियो मैसेज भेजो, नॉर्मल मैसेज भेजो, फोन करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन हेल्प समवन माय डियर फ्रेंड, ग्रेट, अमेजिंग, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सो ऑल योर क्वेश्चंस आर डन, सो विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल मीट वेरी सून, yeah, we will meet on 10th, hopefully, yeah, 10th of November by 9 PM, we will meet and we will have one more fantastic question answer session. I will study more, I will develop myself and I will give you fantastic answers. So I'm working really hard, my dear friends, to help you, to serve you. So keep your blessings with me. I really request you, keep your blessings with me, because I'm going for something phenomenal, something magical, and I want your blessings. मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अगर लोगों की दुआएं मेरे साथ नहीं है, वो ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. It's all about God's grace and your blessings. So keep your blessings with me. I will come stronger, come powerful to help you to create massive success in your life. Yeah? Great. So that's it from my side. See you very, very soon. Till then. God bless you, enjoy and take care. Bye, my dear friends.